हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मौसम का जो ये हाल है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और हल्की धूप लगी हुई है, लेकिन सुबह से तो बारिश थी। अभी हल्का मौसम खुला हुआ है, तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़। अभी आप देख सकते हैं कि मौसम हल्का हल्का खुलने वाला है, हल्की हल्की धूप लगना शुरू हो गया है। तो अभी मैं घर से तैयार होके निकल चुका हूं। आज मेरा काफी सारा काम है, मुझे जाना है मार्केट में। तो चलते हैं आगे, कैसा रहता है आज का दिन। मौसम धीरे धीरे खुलने लग गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है आज मौसम। हल्के हल्के कपासिया बादल लगे हुए हैं, जिसमें काफी सुंदर लग रहा है आज का मौसम। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो बारिश की वजह से हो रही है। देख, हर दिन बारिश हो जाती है और जिससे कोई काम ढंग से नहीं हो पाते हैं, सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। अभी मैं निकल चुका हूँ मार्केट के लिए, गुप्तकाशी के लिए। तो आजकल देख सकते हैं कि यात्रा, चारधाम यात्रा में काफ़ी तेज़ी आ गई है, तो जगह जगह पर काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने छोटे छोटे बतख देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इन्हें कैमरे में कैद कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं बतख के। देख सकते हैं छोटे छोटे हंस पाल रखे हैं लोगों ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे छोटे बतख के बच्चे सड़क पार करते हुए इस साइड आ रहे हैं, जो कि आते हुए काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये चार पांच इकट्ठा हो गए हैं, जो कि ये व्हाइट वालों के साथ अब यहाँ पे चरने लगे हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने निकटवर्ती मार्केट गुप्तकाशी में। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी चहल पहल हो गई है, क्योंकि केदारनाथ चारधाम यात्रा फिर से काफ़ी जोरों शोरों पर चलने लगी है, तो बाज़ारों में भी रौनक आ गई है फिर से। तो अभी मैंने गुप्तकाशी मार्केट वाला जो मेरा काम था, वो बैंक वगैरह का जो काम था, वो निपटा लिया है और अभी हम आगे घर के लिए निकल चुके हैं। तो अभी मैं आया हूँ गुप्तकाशी के आरके नारायण मॉल में, क्योंकि मुझे घर का कुछ सामान लेना है। तो मैं ज़्यादातर जो भी शॉपिंग करता हूँ आरके नारायण मॉल से ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ उचित मूल्य पर मिल जाती है। तो मार्केट से अपना काम करके फिर से मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। तो रास्ते में काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। अभी मैं रुका हूँ पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें अभी गाड़ी में थोड़ा तेल डलवाना है और उसके बाद हम फिर से घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि बाजार का जो काम था वो हमने निपटा लिया है। अभी पेट्रोल पंप पे काफी भीड़ लगी हुई है, तो हमारा नंबर अभी आने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो पेट्रोल पंप से नारायणकोटी गांव का इस प्रकार से काफी सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हेली सेवा के लिए बुकिंग की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा रोक लिया है। यहाँ की गाड़ियाँ जब इधर आ जाएंगी तो तब हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मार्केट से घर, और आज मौसम ने थोड़ा मेहरबानी कर ली है, आज बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर बिट्टू झुंगरा की कुटाई कर रहा है। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का समापन। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।